हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्री कोर्स। 11 डेज का कोर्स है, मैक्सिमम 11 दिन में मैं इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एक दो दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। लेकिन इस कोर्स के दौरान आप क्या क्या सीखोगे, जो भी लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ किस तरह से चलती है या फिर वो खुद से अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप में अगर ये चैलेंज है तो मैं इसको कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे इस सिचुएशन को ठीक करूं, मनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे मैं ठीक करूं, मैं कैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करूं, हेल्थ में बहुत सालों से एक ही चीज़ रिपीट होते जा रही है, रेपिटेटिव पैटर्न है कि बार बार वही सेम बीमारी वही पैटर्न चलता जा रहा है, तो उसको कैसे ठीक करें हम अपने अंदर की पावर से, अपने माइंड की पावर से, अपने अंदर की पावर से, अपनी एनर्जी से। तो उन सभी लोगों के लिए ये कोर्स है। अगर आप बिगनर हो कि आपको पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या फिर आपने पहले रिजल्ट्स क्रिएट किए लेकिन अब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सेम प्रैक्टिसेस से अब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसको अप्लाई करके, उन कुछ रूल्स को अप्लाई करके आप दोबारा से बहुत ही कम टाइम में बड़े लेवल के रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओगे, अगर आप इस कोर्स को बहुत ध्यान से करते हो। तो मेरा मेन मोटिव इस चैनल पे इस पूरे कोर्स को करने का यही है कि जो भी लोग इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, मुझे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, रिलेशंस के ऊपर काम करना है, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, मुझे क्रिएटर बनना है अपनी लाइफ का और अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करना है, नो मैटर आपका पास्ट क्या है, नो मैटर आपकी क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आए हो, किस सिचुएशन में हो, अभी भी एट प्रेजेंट आप किस हालात में हो, अच्छे हैं या बुरे हालात हैं, आप उसी मोमेंट से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अगर आप बहुत ध्यान से इस कोर्स को समझ लेते हो। क्योंकि मैं आपके साथ वही नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ जिसको मैंने अप्लाई किया। मैंने अपनी जिस तरह से स्टार्टिंग की, मैं आपको अपनी भी थोड़ी स्टोरी बताऊंगी इसके कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति इतना झुकाव, या फिर मैं अभी ये चैनल कर रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ, तो किस तरह से इस चीज़ में मैं आई। क्योंकि जब तक आप कुछ फेस नहीं करते हैं अपनी लाइफ में तो आप इस तरह का काम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको भी लेसन्स लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो उन सारे लोगों के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स है और 11-12 दिन में आप इस पूरे कोर्स को करके एग्जैक्ट स्टार्ट कर सकते हो। कि इसी के दौरान ही आप नोट्स बनाओगे, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। तो इसके कुछ रूल समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें अपना माइंड इतना नहीं लगाना है, मैं जो आपको कहती हूँ अगर आप उसको भी फॉलो कर लोगे ना, उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप ऑनेस्टली उन सारे रूल्स को फॉलो करोगे। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो एक लर्नर की तरह सीखें, एक स्टूडेंट की तरह सीखें, किसी को जज नहीं करना चाहिए हमें कि पता नहीं है कि मुझे इससे ज़्यादा पता है या कम पता है, या इस तरह की चीज़ें छोड़ के एकदम बिगनर वाला माइंड लेकर पूरी तरह से ब्लैंक होके, मतलब पूरे समर्पण के साथ, सरेंडर के साथ, ट्रस्ट के साथ आप उस चीज़ को सीखोगे, आप उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अब मैं भी अगर कुछ सीखने लगती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और उस चीज़ से फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है क्योंकि अब मैंने अपना माइंड यूज़ करना बंद कर दिया। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि एज ए स्टूडेंट वाला माइंड लेकर आप पूरी तरह से ट्रस्ट के साथ, सरेंडर भाव के साथ आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो कुछ रूल्स क्या है इसको करने के, अपने कंफर्टेबल टाइम में करना है। अब कंफर्टेबल टाइम क्या है, ये नहीं है कि आप अपने रूम में एकदम से आराम से मज़े में बैठे और मतलब एक एंटरटेनमेंट की तरह आप इस कोर्स को कर रहे हैं। आपको जब इस कोर्स को करना है आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है जब आपका फोकस बहुत ज़्यादा सही होता है, जब आपका माइंड फ्रेश है, थका हुआ नहीं है, आपको उस टाइम पे इसको करना है। मे बी वो रात को हो सकता है या फिर मॉर्निंग में हो सकता है कि आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, आप उस टाइम पे करो। ये छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 10-15 मिनट आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो दे ही सकते हो, तो उस टाइम पर आप इस कोर्स को करो। उस टाइम पे हेडफोन्स लगाओ ताकि आपको बाहर की कोई भी डिस्टरबेंस है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, वो इंटरप्ट ना करे और आप अपनी पूरी तरह से अटेंटिव होकर आप इस कोर्स को करो। स्पाइन स्ट्रेट रखोगे तो मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जीज एब्जॉर्ब करोगे, यूनिवर्सल एनर्जीज एब्जॉर्ब करोगे, वो भी आपको हेल्प करेंगी आपके इस जर्नी के दौरान। और दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि एक नोटबुक
लेनी है, उसमें सारे नोट्स बनाने हैं, जो भी चीज़ें आपको स्ट्राइक करती है ना माइंड में कि ये चीज़ मैंने कुछ नहीं सीखी है या ये मुझे याद रखनी चाहिए, उन नोट्स को अपने हिसाब से बनाओ, अपने नोट्स को बनाओ। चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो जो चीज़ें, जो भी लर्निंग है आपकी, वो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। उससे पहले कि हम कोर्स स्टार्ट करें, तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी बता देती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं कैसे आई। तो सबसे पहले 2014 में जब मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेसिव फील करती थी, बहुत ज़्यादा सैड रहती थी, अपनी लाइफ में बहुत ही डिस्टर्ब थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे और हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना और हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस होना, जैसे कि माइग्रेन होना, स्टमक इश्यूज़, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते थे, हर चीज़ की एंग्जाइटी, हमेशा टेंशन वाला ही माइंड रहता था, हमेशा सैडनेस अपने अंदर फील करना, अकेला फील करना, लोनलीनेस फील करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थी। तो उस टाइम पे मुझे मेरे ब्रदर ने फर्स्ट टाइम इसकी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री, अगर आपने पढ़ी है या देखी है, तो उस टाइम पे उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी अपनी लाइफ में। तो उस टाइम पे मैं उसको देख के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे बहुत बोरिंग लगी, मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों, मतलब इसका मेरी सिचुएशन से क्या रिलेशन है। अब इस चीज़ से मुझे अब समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे मुझे वो चीज़ क्यों नहीं समझ में आई। उस टाइम पे मेरी ओर से ये अट्रैक्शन नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ के सोल्यूशन चाहिए। उस टाइम पे मैं सिर्फ सैड, सॉरो, डीप, मतलब इस तरह के मोड में ही थी कि जो हो रहा है यही सच्चाई है, इसको नहीं बदला जा सकता, उसको एक्सेप्ट करके बस, जो अगर रोना है तो रोते जा रही थी, अगर सैड फील करना तो उसी पैटर्न को फील करते जा रही थी, अकेलापन फील हो रहा था उसको फील करते जा रही थी कि यही सच्चाई है, यही मेरी लाइफ है। तो इस तरह का उस टाइम पे मेरा माइंडसेट था। तो वो डॉक्यूमेंट्री सामने आई तब भी मैं कुछ सीख नहीं पाई वहाँ से। लेकिन 2014 के बाद ये चीज़ें अब हैंडल करना मुश्किल हो गई, क्योंकि आप हर समय दुखी नहीं रह सकते हैं। आपको मन करता है कि आप खुश रहें, आपको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट मिले, आप हैप्पी फील करें। तो उसके बाद से ये मन में इच्छा आना स्टार्ट हो गई कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए, मुझे इसके सोल्यूशन चाहिए। तो ये जब माइंड में ऐसा सवाल मेरे आना स्टार्ट हुआ, तो 2018 में मैंने एक डॉक्टर को अट्रैक्ट किया। तो उस डॉक्टर को मैंने अपनी सारी हिस्ट्री बताई, मतलब कि इस तरह से हेल्थ भी ख़राब है, रिलेशंस भी ख़राब हैं, है ना। उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, मैं जॉब से भी खुश नहीं थी, सैलरी अच्छी थी लेकिन वहाँ पे भी रिलेशनशिप इश्यूज थे। तो वो सारा दिन काउंसलिंग चलने के बाद उसने मुझे एंड में फिर से वही डॉक्यूमेंट्री दिखाई। तो उस दिन जब उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट्री भेजी, मुझे उसने उसका लिंक भेजा, उसने बोला घर जाके पहले इसको देखना, आपको यही दवाई लगेगी, एग्जैक्ट यही वर्डिंग थी उसकी। तो उस टाइम पे जब मैंने घर जाके उसको देखा, तो उसी टाइम मुझे अपनी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनके सोल्यूशन मिल गए। मुझे रियलाइज़ हो गया कि यही सारी चीज़ें, जो ये सवाल थे मेरे, इनके मुझे आंसर्स आज मिले हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग मुझे इतना तंग करते हैं, या मुझे, मैं क्यों अपने अंदर इतना लो कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, या फिर अपनी अपने हक के लिए मैं बोल नहीं पाती हूँ, कम्युनिकेशन मेरा इतना बैड है, या फिर मेरी बात सुनी नहीं जाती है, या हेल्थ में मैं इतना नेगेटिव क्यों चल रही हूँ, क्यों मेरी लाइफ इस तरह से है। वो सारे सवालों के आंसर मुझे उस दिन क्लियर हुए। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस डॉक्यूमेंट्री को फॉलो किया मैंने, मैंने अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया मैंने अपना, और हेल्थ को इम्प्रूव किया। विदाउट मेडिसिन मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेन इश्यूज़ मेरे कम्प्लीटली ख़त्म हो गए, स्टमक इश्यूज़ ठीक हो गए, आईबीएस का प्रॉब्लम ठीक हो गया, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस मेडिसिन के बिना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होना स्टार्ट हो गई, एंग्जाइटी लेवल्स ख़त्म हो गए, अब मैं बहुत रिलैक्स रहने लगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस के दौरान की, तो वो सारी चीज़ें मेरी ठीक हो गई, मैंने बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो किया। फिर एक टाइम आया कि उस टाइम पे फिर रिजल्ट्स आने बंद हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा, माइंड ज़्यादा परेशान रहने लग गया कि इतना रिजल्ट्स क्रिएट करने के बाद अब फिर से वही लाइफ दोबारा स्टार्ट हो रही है 2014 वाली, तो अब क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे। फिर मैंने इसको अच्छे से सीखा, मैंने इसकी पूरी, एक होता है ना ABC समझना, एक तो होती है ऊपरी ऊपरी नॉलेज, उसकी ABC समझी मैंने, सीखी, और जब मुझे उन लॉज के बारे में पता चला, उन रूल्स के बारे में पता चला, उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी ये नहीं मैं कह सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है,
मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता होता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मुझे इसका क्या सोल्यूशन है, मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे इस टाइम पे कौन सी मेडिसिन लगेगी अपनी प्रैक्टिस की और उस सिचुएशन को मुझे कैसे ठीक करना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आते हैं, कभी भी लाइफ चैलेंज फ्री नहीं होती, लेकिन हमारी जो एफर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए कि हर चैलेंज को हम फनी वे में एक खुशी खुशी तरह से उसको डील कर पाएँ, उसको हैंडल कर पाएँ। हमें ये स्किल डेवलप करनी है क्योंकि जब तक हमारी लाइफ है अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हम एक स्किल डेवलप कर रहे हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पूरा सार समझेंगे कि वो स्किल हमारे अंदर उतर आए कि जब इस तरह की सिचुएशन है तो हमें किस तरह से डील करना है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो इम्प्रूव होता जाए। तो इस तरह से मेरी लाइफ में मेरा ग्राफ, मेरा चार्ट इम्प्रूव होता गया और आज फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं अपनी प्रॉब्लम से निकल कर किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो मेरी वजह से आ ही रहे होंगे। तो जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी के लिए नए नए कंटेंट और जो भी एक ऑथेंटिक नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी अपने उस लाइफ को कहीं से भी इम्प्रूव कर पाएँ। तो आज जो मेरी लाइफ है मैं उसमें बहुत बैलेंस्ड फील करती हूँ, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ, मुझे ये जर्नी अब अच्छी लगती है। पहले मैं ऐसे नहीं थी, पहले मुझे लगता था कि ये लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो यही इस पर्पज़ के साथ मैं इस कोर्स को लेकर आई हूँ कि आप भी जो भी लोग सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, कोई और इसको समझ नहीं सकता, तो जितने भी लोग इस जर्नी में होते हैं और कोचेस भी होते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही वो उस नॉलेज को शेयर करते हैं ताकि दूसरों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ सके। लेकिन वो नॉलेज को गेन करने का हमारा ही पूरा माइंड होना चाहिए, हमारा माइंड सेट होना चाहिए उस नॉलेज को ग्रास्प करने का। तो इसकी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है। पहले नंबर पे जो करना है अपनी रेटिंग चेक करनी है। रेटिंग क्या होती है, जब हम कहीं पे रेटिंग देते हैं ना, रेटिंग से हम पता करते हैं कि इस कंपनी का या फिर इस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है। तो आपकी रेटिंग, आपने क्या कभी अपने आप को देखा कि आपकी रेटिंग क्या है, कि आपका क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ जो भी आपकी लाइफ है। हमारी लाइफ चार एरियाज़ में मोटा मोटा मतलब डिवाइड है। हमारी हेल्थ, मेनली हमारी हेल्थ आती है, हमारे रिलेशंस आते हैं और फिर हमारा करियर आता है। तो करियर और मनी मोर और लेस एक ही में आता है। तो हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, तो यही हमारे एरियाज़ हैं। अब अगर आपकी हेल्थ बहुत ही ख़राब चल रही है लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हेल्थ ही सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या फिर आपके पास करियर अच्छा नहीं है, तब भी आप अपनी ओवरऑल लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। तो ओवरऑल अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको क्या सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए या आपको इन तीनों या चारों चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आज आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपके पास अच्छे रिलेशंस भी हों जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप हो, और फिर आप अपने आपके पास पैसा भी हो कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ घूमने जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं, तो जो भी चीज़ें लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको यही लाइफ अच्छी लगेगी जिसमें हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी सब हो, सब बैलेंस्ड में हो, तभी आप अपनी ओवरऑल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेटिंग देनी पड़ेगी अपने आप को। तो रेटिंग हम आउट ऑफ 10 देंगे, हम टैपिंग में भी बहुत बार आउट ऑफ 10 रेटिंग देते हैं, तो इसमें भी हमें आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है कि 10 में से मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ और अगले एक महीने में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। तो हेल्थ में अगर आप कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिज़िकल फिटनेस की भी बात हो रही है यहाँ पे, इमोशनल की भी बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फिज़िकल इलनेस तो थी कि मुझे माइग्रेन है या फिर मुझे सर्वाइकल इश्यूज़ हैं या मुझे स्टमक इश्यूज़ हैं, लेकिन मेंटल इलनेस भी थी कि मुझे डिप्रेसिव फील होता था और मुझे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती थी, सैडनेस, ये सारे इमोशनल जो आपका इम्बैलेंस है वो भी आपको चेक करना है कि मैं खुश कितना रहती हूँ। हेल्थ में ही आता आपकी, तो अपनी हेल्थ को चूज़ करो कि कितनी रेटिंग आप दोगे। ऑनेस्टली दो अपने आपको रेटिंग और आराम से चलो इस जर्नी में, आपको पता चलेगा एक महीने में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इम्प्रूव होने लग जाएगा। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप में,
कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, या फिर अगर शादी नहीं हो रही है तो क्यों मतलब मैनिफेस्ट नहीं हो रही है अगर शादी, तो फिर उसमें अपने आप को कितना आप स्ट्रगलिंग फील कर रहे हो कि रिजेक्ट होते जा रहे हो, बार बार रिजेक्शंस मिलते जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अपने आप को रेटिंग देनी है कि अगले एक महीने में फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। एंड थर्ड, जो करियर और मनी है उसको रेटिंग दो कि करियर में क्या वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही ज़बरदस्ती कि अब कुछ और नहीं मिल रहा है तो हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को कर रहे हो। और मनी में भी कि कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, बहुत स्ट्रगलिंग है तो आउट ऑफ 10 5 से नीचे नीचे आपकी रेटिंग होगी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली फ्रिक्वेंसी है आपकी। अगर आप ठीक ठीक हो, मतलब ठीक ठीक हो, ना बहुत चैलेंजिंग है ना बहुत हाई है, तो 5-6 इतनी रेटिंग आपकी होगी। और अगर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में, अगर बहुत अच्छे हो, फिट हो एकदम से हेल्थ में, तो आपकी 6-7 इतनी रेटिंग आपकी आराम से हो जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को रेटिंग देनी है ताकि इसी रेटिंग से आप अगले महीने देख पाओ कि अब आप कहाँ पे आगे चले गए हो। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको अपने आप को ऑनेस्टली रेटिंग देनी है। कमेंट सेक्शन में आप अगर रेटिंग बता पाओ ताकि सभी को मोटिवेशन मिले कि आप देने से हिचकिचा नहीं रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप यहाँ से ग्रो करोगे ही ग्रो करने ही वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग देना। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, अपने आपको ऑनेस्टली रेटिंग देनी है। उस रेटिंग को देने के बाद आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी क्या रेटिंग आई है, और नेक्स्ट मंथ आप अपने आप को 1 या 2 पॉइंट ऊपर लेकर जाने वाले हो। तो ये लिखोगे कि ये मेरी अभी की करंट रेटिंग है और मेरी जो मैनिफेस्टेशन है कि मैं अपनी रेटिंग को इतना इतना लेकर जाऊँगी या जाऊँगा अगले महीने तक। ये मेरी डेडिकेशन है कि मैं इस पूरे कोर्स को सीख कर, जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करके, अपने मैनिफेस्टेशन में, अपने हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी में इतने इतने पॉइंट आगे जाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से रूल्स हैं, कौन से लॉज हैं जिनके ऊपर ये काम करता है, कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और अगर एक बार आप उन लॉज को समझोगे तो उस कभी मार नहीं खाओगे, उनको आपको रिवाइज भी करना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो के दौरान, सेशन के दौरान ही मैं आपको सारा रिवाइज़ करवाऊँ, आपके माइंड में वो चीज़ प्रोग्राम हो जाए ताकि आपको समझ में आएगी आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड थैंक यू सो मच।